हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है गाइस आपका एक अनदर वीडियो में। और गाइस आज हम लोग टीम करने वाले हैं एक्वस को। सो गाइस यहां पे देखिए मेरा प्रिपरेशन, पहले बताइए एक्वस के बारे में, बताता हूं कि मैं एक्वस को ट्रैक करने के लिए इतनी प्रिपरेशन क्यों की है। चलिए सो यहां पे देखिए, यहां पे मैंने जो वॉल्स लगा रखे हैं, मतलब वॉल्स तो नहीं कहेंगे बट रेलिंग लगा रखा हूं, तो एक्वस को यहां पे रुकने के लिए रेलिंग लगा रखा हूं। और गाइस मैं बता रहा हूं, हम लोग जो एक्वस को यहां पे मेजो बेरी से टीम करेंगे। देखिए ये मेरे पास मेजो बेरीज है, तो इस वाले मेजो बेरी से मैं एक्वस को टेम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शायद बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने मेजो बेरी से एक्वस को टेम किया होगा। तो चलिए गाइस, वो भी ईली डाइनो है, तो मैं इसको पहले करूंगा रिवाइव। रिवाइव करने के बाद जो इसको गाइस पकड़ पकड़ के टेम करने वाले हैं। ऑलराइट, सो मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहले तो मुझे ट्राई यहाँ पे इम्प्लांट खोजना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे इम्प्लांट पड़े हैं। देयर वी गो, मिल गया गाइस। अभी जो इसको रिवाइव करता हूँ, इसका लेवल 170 है। यहाँ पे देखिए ये रिवाइव हो रहा हमारा, और ये बुम बम रिवाइव हो गया। चलिए फीट करते हैं इसको बैठ के इस तरीके से। सो एक बार में 3.3% के आसपास ये जा रहा है गाइस, मगर फिर भी इसकी टेमी फिटनेस गिर रही है। ये देखिए बुम बम इसकी टेमी फिटनेस गिर रही है गाइस। मुझे लग रहा है ना कि इसको मेजो वैरी से टेम नहीं कर सकते, आपको क्या लग रहा है, कर पाएंगे? ये देखिए जीरो हो गई इसकी टेमी फिटनेस, मतलब बिल्कुल ड्रॉप आउट हो गई गाइस। इसको डैमेज कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस। देखिए इसको डैमेज हुआ है, शायद डैमेज की वजह से जो है ऐसा कुछ हुआ क्या। खैर कोई दिक्कत ही नहीं है गाइस, फिर से हम लोग वेट करेंगे इसको, इस तरह से बैठ के फीड करेंगे, हम लोग फीड करते रहेंगे जब तक ये टीम नहीं हो जाएगा। होगा क्यों नहीं, 1.7% इस बार गया। खैर वैसे भी ये निकल नहीं पाएगा जब तक ये अच्छे से जंप नहीं करेगा, तो हमें कुछ नहीं करना, बस वेट करते रहना इसका। अभी जो इसकी टेमी फिटनेस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है, और ये एक बार में 1% गया, मगर एक बार और ट्राई करने वाला हूँ। एक बार इसको हंगरी होने दीजिए, एक बार और ट्राई करेंगे कि ये जो है गाइस एक बार में कितना परसेंट जाता है, उसके बाद जो है अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो रॉक रोड से टेम करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको मेजो बैरिज से ही टेम करने वाले हैं। चलिए थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, इसको हंगरी होने देते हैं दोबारा। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए गेट भी बना रखा है ताकि अंदर बाहर हो सकें। ऑल राइट, सो अभी हम लोग वेट करने वाले हैं कुछ मिनट तक, ताकि ये जल्दी से हंगरी हो। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे स्लिप मार सकते हैं क्या। ऑल राइट, सो वी कैन स्लिप हियर गाइस, 7 आवर का टाइम है, तो इतने में तो एक्वस भी हंगरी दिखाने लगेगा। चलिए सो सामने देखिए एक्वस हंगरी दिखा रहा है गाइस, अभी जो है जल्दी से टेम करते हैं इसको। अभी मैं चेक करता हूँ कि ये एक बार में कितना परसेंट जाता है, इस बार जो है सही से नहीं गया ना गाइस, तो फिर उसके बाद जो हम लोग जो है इसको नॉर्मली जो है रॉक रोड से टेम कर लेंगे। ठीक है, लेट्स सी गाइस। ओके देयर वी गो, बैठ जाते पहले। 5% जा रहा है एक बार में। अरे ये डेप्लस और इतना जल्दी अंदर कैसे आ गया भाई, इनके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस हो गया क्या। निकल, कितना परसेंट गया गाइस एक बार में? 5% गया, वो 3% के आसपास गया है शायद। फिर से हंगरी दिखाने लगा, बैठते हैं और फीड करते हैं। अरे यार ये डेप्लस और तो गलती नशेबाजी कर रहा है, इसको मार देते हैं। चलिए तो ऑक्सी कैरो से मार दिया मैंने, अभी इसको फिर से फीड करते हैं जल्दी जल्दी। 5% जाके अटका हुआ है, वैसे भी इसको छपटी आ रहा भाई, कह रहा कि ना हम ना टेम होंगे आपसे, मगर इसको नहीं पता कि हम छोड़ेंगे नहीं जब तक ये टेम नहीं हो जाएगा। एक बार में 3% जा रहा, मतलब ठीक ही ठाक जा रहा वैसे तो। आप लोग अगर टेम करना हो तो गाइस मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरी तरफ बेवकूफ़ाना हरकत ना करिएगा। आप लोग जब भी टेम करिए रॉक रोड यूज करिए, क्योंकि आप लोगों का टाइम साथ साथ आप लोगों का स्मूथिंग ब्लेम सब कुछ वेस्ट ही वेस्ट होगा, अगर आप लोग जो इसको कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ बैरिज से टेम करने की। तो सो यहाँ पे देखिए मेजो बैरिज का असर तो ठीक ठाक है गाइस, हंगरी भी काफ़ी फास्ट हो रहा है, इसको टेम तो कर लेंगे मगर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाला है। देखिए 8% हो चुका है, एक बार में 3% जा रहा है गाइस, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। और यहाँ पे टेमी फिटनेस शायद नहीं ड्रॉप हो रही इसकी, ये देखिए अभी अभी ड्रॉप हो रही है, अभी ड्रॉप हो रही है, 7% हो गया। तो ये समझ लीजिएगा इसकी एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क हम लोग कर रहे हैं इसको बैरिज से टेम करने का, तो बैरिज वगैरह से नहीं टेम कर सकते इक्वस को। पर पता नहीं मैंने कहाँ पे सुना कि हम लोग इसको बैरिज से टेम कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये मुझे हजम नहीं हुआ गाइस, इसलिए जो है मैंने ट्राई करने की कोशिश की। ये देखिए मैंने जो है एक रॉक रोड इसको फीड किया, ये बूम कितना परसेंट चला गया। ऑलराइट गाइस, तो बेस्ट तरीका एक्वस को टेम करने का रॉक रोड है। और अगर आप लोग जो है किसी
विल्ड डाइनो को टेम करना चाहते हैं, विल्ड एक्कोस को टेम करना चाहते हैं विदाउट रिवाइव किए हुए, तो उसको पकड़ के इस तरीके से ट्रैप बनाइए, उसमें ला के पटकिए और उसके बाद ही टेम करिए, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे ना गाइस तो फिर उसके बाद जो है आप लोग जो है उसको टेम नहीं कर पाएंगे, आपका 10% 15% जाएगा, कोई ना कोई विल्ड डाइनो उसको डैमेज दे देगा। तो इसलिए जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है इस तरीके से छोटा सा ट्रैप बनाइए, और मेरा ट्रैप तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मगर आप लोग छोटा ही बनाइएगा और उसमें इसको ला के पटक दीजिए, पटकने के बाद जो है इसको टेम करिए। खैर यहाँ भी देखिए मैंने इसको टेम कर लिया गाइस, और मैं सोच रहा था कि हम लोग जो है इसको टेम कर लेंगे मेजो बैरी से, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा गाइस, ताकि आने वाली अपडेट्स आप बिल्कुल मिस नहीं कर दें। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस सपोर्ट बना के रखिए।